चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। यह समारोह टीएडी भवन के सभागार में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंत्री बामनिया ने संबोधित किया। जनसंख्या भी कम करनी बहुत जरूरी है। वर्ल्ड लेवल में नंबर वन पे आ जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका आनी पाती। लंकाई एएन सुमित नियंत्रण करना, और किस तरह से अगर दो बच्चे रहते हैं अब तो प्रचलन बढ़ी जाए रहता है, तो बहुत बड़ी एक अच्छी सोच रखती है। जब पहला बच्चा उनकी बच्ची हो या बच्चा आगे बढ़ा सके, जिनका हम ग्राम पंचायत की श्रीमती ललिता जी सरपंच महोदया भी हम विश्वास है अपना ऊपर ऊपर वाले बच्चे महोदय हमारे कर्नाटक की सोच की कर्तव्य द्वारा पुस्तक भाई ने मैं भाई काम जा रहे हैं। मैं कह रहा था हम आपसे निरंतर और सभी को अपनाना है। उसके अंदर क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या आप लोगों को फायदे हैं उसके संबंध में, ये जो पखवाड़ा होता है उसके अंदर घर घर जाकर के सभी लोगों का सक्रिय योगदान रहता है। इस योगदान के अंतर्गत हमारा मकसद यही रहता है कि फैमिली छोटी हो, और फैमिली छोटी हो। कुछ चिकित्सा संस्थान है जिन्होंने उत्कृष्ट उनको यहाँ पे जो उत्कृष्ट कार्य जो स्टेट लेवल पे से यहाँ पे, क्योंकि ऑपरेशन नसबंदियां होती है महिलाओं की होती है, तो आखिर पुरुषों को भी क्यों उसके लिए प्रेरित नहीं किया जाता, इसकी जिम्मेदारी आप लोग थोड़ा सा ले, क्योंकि माताएं तो है सहने के लिए ही पैदा हुई है, और वो तो किसी से बलात्कार की घटनाओं से लूट डकैती चोरी मतलब जमी इन बच्चों से अगर इंफॉर्मेशन करें और इसकी तह में जाए तो पता लगता है कि परिवार में पांच भाई हैं, रोजगार के अवसर है नहीं, माता पिता कमाते नहीं है, तो ऐसे में चूंकि उसका जन्म हो गया है उसको भूख लगती है। माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने विशेष करके मेडिकल विभाग और जनता के बीच में जो नई नई योजना ला करके आम जनता को सुविधा पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए मैं बांसवाड़ा जिले की ओर से आप सबकी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले 2011-10 में इन्होंने एक विश्व पटल पर और देश में पहला नाम कर दिया कि फ्री मेडिसिन मुफ्त दवाइयों को लाकर, और मुफ्त दवाइयां उस समय लाए तो बाकी राज्यों में ये बात हो रही थी कि कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, पर आप सब